आजकल एक आम समस्या है जो काफी समय से मेरे मन में चल रहा था विचार, एक मेरे परिवार में भी ऐसी दिक्कत है। जब हमारे घर की बिटिया शादी के बाद नए घर में चली जाती है तो उसका कुल चेंज हो जाता है शास्त्रानुसार और आपके अनुसार भी। ध्यान से सुने भाई, क्या बात पूछ रहे हो, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो सबके लिए। अब वहाँ वो वहाँ के संस्कारों के अनुसार कार्य करती है जी, उसका सब कुछ कुल बदलने से आप बता दें कि सब चीजें उसके नए परिवार में हो जाती हैं, लेकिन वो बिटिया जब तलाक के बाद हमारे घर में वापस आ जाती है और बच्चे के साथ आती है, तो क्या, दो क्वेश्चन है उसमें भी, क्या वो हमारे घर के देवी देवताओं को पूछ सकती है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो तलाक धार्मिक रूप से पूरा तलाक है या अधूरा तलाक है? क्योंकि किसी ने मुझसे ये कहा, एक पंडित ने, कि तलाक के लिए भी, प्रॉपर तलाक के लिए एक विधि बताई गई है शास्त्रों में, अगर वो नहीं किया गया है तो ये प्रॉपर तलाक नहीं है। देखो बस मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत गहरा, ये अभी चल रहा है कलयुग, हम इसको कलयुग मानते हैं क्योंकि ये कलह का युग है और इसमें कलह होती है, इसलिए लोग एक दूसरे से रह जाते हैं, दूर रह जाते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहीं भी तलाक की कोई विधि लिखी ही नहीं है जी, ना किसी का अलग होना लिखा है। एक माता अहिल्या अलग हुई है, वो भी आपको पता है कि वो किसी का, यानी कि जो उस समय कोई इंद्र था उसका वो शिकार हुई और उन्होंने अपने पति से श्राप पाया, लेकिन उसका भी उद्धार हो गया। इसके अलावा और कोई तलाक का कोई केस ही नहीं है। लेकिन दूसरी बात कि पहले चाहे पसंद से ही कोई शादी होती थी वो भी निभती थी और उसमें कभी भी व्यवधान नहीं आता था। पहले लोग एक दूसरे को प्रेम करते थे और उनका प्रेम का अभाव भी बड़ा पवित्र होता था। अब प्रेम किस लिए करते हैं, जैसे लड़कियां दिमाग में पहले ही रख लेती हैं, मैं इस लड़के से तभी शादी करूंगी क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए, इसके पास गाड़ी हो, घोड़ा हो, नौकर हो, चाकर हो, ठीक मकान हो। ये मैंने देखा है आज के ज़माने में कि लड़कियों के दिमाग में रहता है कि ये इतने लाख रुपए कमाता हो, महीने में इसका ऐसा खर्च हो, ये ऐसे करता हो, तो उनको विश्वास ही नहीं होता, अपने भाग्य पे कोई विश्वास नहीं, अपने कर्म पे कोई किसी को विश्वास नहीं रहा। लेकिन तब वो जब उनको उनकी गति नहीं होती, जब उनको प्राप्त नहीं होता, तब वो उल्टे सीधे कार्य करने लगते हैं, या फिर जब उनके मन की नहीं होती, तब जब मन की नहीं होती तब उनको ये हानि होती है कि उनके तलाक हो जाते हैं। तो ऐसे ही लड़का भी अपने मन में यही व्यवधान रखता है। एक, जब उसका कुल बदल जाता है और उसके पास बच्चा भी है तो उसका कुल और गोत्र वही रहता है क्योंकि वो बेटा किसी और का है, ना कि उसके कुल में उत्पन्न हुआ था। ये बात अलग है कि नाना नानी के यहाँ बच्चा पल जाता है, ये बात अलग है कि कोई कोई विशिष्ट हो जाता है। तो उसमें तो भरत जी का भी आता है कि भरत जी अपने नाना नानी के यहाँ गए, ननिहाल में गए, वहाँ रुके, ठहरे और बहुत लंबे समय तक वहाँ उन्होंने शिक्षा दीक्षा भी की, ये भरत जी के बारे में आता है। और फिर जब वो वहाँ आए तो उनको पता चला राम का, मेरी माँ ने राम के लिए क्या मांग लिया, वनवास मांग लिया, और केवल इसी लोभ में कि मुझे गद्दी मिले। तब वो अपनी माँ को बड़ा भला बुरा कहते हैं और ठीक है, माँ को भी बड़ी ग्लानि और पश्चाताप होता है, लेकिन क्योंकि कदम उठ चुका था। तब वहाँ से ऐसे एक युग की शुरुआत हो गई थी कि अब राम राज्य जो है वो टल गया है, तब राम राज्य नहीं आ पा रहा था। तब राम राज्य वापस 14 वर्ष के बाद आया और फिर वो पता नहीं कितने वर्ष चला, मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन पहले तो तलाक का कोई मामला होता नहीं था, कोई मर्म ही नहीं होता था, इस विषय में कोई सोचना ही नहीं होता था किसी का भी, सब एक दूसरे के साथ जो है समय निभाते थे, संस्कार निभाते थे, सबके संस्कार मिलते थे, सबकी बाधाएं तो होती नहीं थी, किसी को भी इस तरह ग्लानि नहीं होती, सब अपना अपनी ऊर्जाएं सबकी संयमित रहती, तो सब अपना कमाते खाते थे और सब अपना जो संस्कारित रहते थे। तब एक बात और थी कि जैसे आज के युग में पड़ोसी का आपसे कोई लेना देना नहीं है, उसका कुल गोत्र भी आपसे नहीं मिलता, तो वो भी आपसे चढ़ने लगता है कि इसका काम क्यों अच्छा चल रहा है। तब ऐसे संस्कार किसी के नहीं थे कि दूसरे को देख के आप जलने लगे। ये भी मैंने देखा है कि जब मैं उत्पन्न हुआ, 2-4 साल का हुआ, थोड़ी सी समझ आने लगी, तब मेरे गाँव में बड़ी शांति थी। अब मेरे गाँव में ईर्ष्या होने लगी है कि ये अच्छा खा रहा है, ये क्यों खा रहा है, इसके पीछे ऐसे लग जाओ, इसके पीछे ऐसे लग जाओ। तो ये अब सब जगह हो गया है, कहीं एक जगह की बात नहीं रही है। बात रही लड़की तलाक लेके घर आ गई, घर में रह रही है बच्चे के साथ, तब उसका कुल गोत्र क्या बदल जाएगा, वापस कदापि बदलता नहीं है। देखिए माता सीता अपनी तीनों बहनों के साथ, यानी कि चारों बहनें कभी भी वापस कभी भी अपने मायके नहीं गई, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अब क्या रह गया, और अपने कुलों में ही शादियां क्यों करते थे कि वही गोत्र वही कुल,
ये सारे के सारे ना कोई काम करने वाले थे, संसार के लिए उपयोगी थे सब। तो मशीने तो थी नहीं, मशीनी युग तो था नहीं, कलपुर्जों का तो युग था नहीं। कोई चमड़े का उद्योग करता था, कोई नमक का उद्योग करता था, तो वो वैसे ही लोग ढूंढ के उन्हीं में शादियां करते थे। जैसे एक ब्राह्मण की लड़की है, उसको आप क्या कहते हैं किसी कुम्हार के यहाँ भेज दो कि तेरी शादी किसी कुम्हार से कर रहे हैं, तो उसको मटके बनाने आते नहीं है शुरू से, तो वहाँ रच पच नहीं पाती थी। इसी तरह से जो है अलग अलग जातियों का भी कुछ विधान हुआ कि नहीं ये लोग ये काम करते हैं तो उनकी बेटियां उनमें ही जानी चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि वर्ण तो थे लेकिन छोटे बड़े मानते थे, ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि तब ऐसा भेद था ही नहीं। भेद तो आके केवल राजनीति ने किया है, राजनीति के अलावा मैं आज भी कोई भेद नहीं मानता, क्योंकि ये भी राजनीति है, किसी दूसरे पे जाके कब्जा करो, किसी दूसरे का हक मारो और फिर कब्जा करके वहाँ का राजतंत्र जो है खुद अपने हाथों में ले लो, ये भी राजनीति में ही तो आता है। जैसे मुगलों का राज हुआ, अंग्रेजों का राज हुआ, ये राजनीति में ही आता है तब। लेकिन अब तो उससे पहले अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो सब मलयालम के लोग कर चुके हैं, संस्कार सारे धूमिल हो गए हैं, संस्कृतियाँ सारी धूमिल हो गई है। हमारी संस्कृति तो अंग्रेजों की भी संस्कृति ऐसी नहीं है जैसी हमारी हो गई है, ठीक है। आज वही चलन हो गया, कुमारी ही लड़कियां लड़कों के साथ रहने लगी हैं, आपको पता चल गया इस बात का, सेम वही जो अंग्रेजों के यहाँ होता है वो यहाँ होने लगे, ठीक है ना। मतलब लड़के लड़की अब शादी नहीं करते, ठीक है। अब उनको बोले तो क्या बोलते हैं कि रूममेट है, हम तो रूममेट हैं। चलो भाई रूममेट बन लो, तो उसमें संस्कार हमारा जाएगा, जागृति हमारी छिनेगी, सांस्कृतिक जो रियासतें हैं वो हमारी ढलेंगी, उसमें हम टूट के रह जाएंगे, पत्तों की तरह बिखर जाएंगे, क्योंकि हमने एक नई लीक चुनी है और वो नई लीक हमें जो है ना कठोर है, हमारे लिए आघात करने वाली है, हमारे लिए और हमारे हृदय को छलनी कर देने वाली है, हमारा विनाश कर देने वाली है चाहूँ ओर से, इसलिए हमें उसको छोड़ देना चाहिए। तो अपने बच्चों को आज, अपनी लड़कियों को एक ही संस्कार सिखाएं कि अपने मन की इच्छा ना रखें, दूसरे के मन की इच्छा को ही पूर्ति करें, जिससे आपका घर सदैव चलता रहेगा, ठीक है ना। अगर पति ये चाहते हैं अपने माँ बाप के पास रहना तो वहीं रहे, ठीक है। वो अपनी माँ को ज़्यादा चाहता है तो आपका संस्कार भी है कि उसकी माँ को चाहने लगे, ठीक है ना, तभी आप इस कुचक्र से बाहर आएंगे। माता पिता शादियों में 30-30, 50-50 लाख रुपए लगा देते हैं, फिर 2 महीने बाद लड़की लौट आती है, फिर वे केस चलते रहते हैं, कितने साल केस चला, वे पैसे मांगते रहते हैं, इधर से उधर से दोनों तरफ से हानि ही हानि होती है, कई कई वर्ष की उम्र बीत जाती है। तब ऐसे में तो शादी ना हो तो बढ़िया, कम से कम नुकसान तो नहीं हुआ माँ बाप का, हुआ कि नहीं कि माँ बाप का नुकसान बच गया। लेकिन अब तो दोनों ओर से पैसा जाता है, दोनों ओर से जो है ना कष्ट बढ़ता चला जाता है। जय शनि, जय शनि।